genere di film? Dei film che vedete da me poche, perché in senso prende su tutti i miei domani maniero. Non scusa, perché che PTS vedete che caffè è stato agli anni sulla poca per il video che ti inspira il PTS. Lo chiedo che ha doppiato un lascio a fine anni. Abbiamo capito che è stato che ne che a me che si è stato l'ho che si è stato domani in anni sotto me. Da lì se l'è partito. Io sì che in anni è stato che è appunto un special di quello che si è stato in game match per anni dove io mi ero in relation to un anni hai passare un semente o fotografo e o tu si dimmi hai una foto session o poi c'è la per the news ma per me lo big five finire. अपनी नानी को देख भी कभी दिल करता है कि ठीक है जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर मैं भी सियासत में हूँ नहीं नहीं सियासत का तो ऐसा कोई शौक नहीं है लेकिन हाँ एक फेम का शौक है कि लोग भी इस तरह मतलब एक सन एक अच्छे उसमें नाम बने और लोग रिस्पेक्ट करें क्योंकि फेम तो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है लेकिन एक पॉजिटिव फेम होना अलग बात होती है और उस तरह लोग जाने एजुकेटेड इंसान को तो वो अच्छा नानी से आपका कितना करीबी रिश्ता रहा है क्योंकि हर पोता पोती नवासा नवासी एक खास रिश्ता होता है एक्चुअली जो मेरी नवासी है दवान लॉर्ड जिससे बड़ी बहन है उसको मेरी सारी कैंपेन मेरी इलेक्शन की सारी कैंपेन उसी पर थी ये भी कैंपेन में शामिल था इन सालों में खान ये बहुत वेरी खान और उसने आई वॉज सो इम्प्रेस्ड एट सच अ यंग एज इतने बैलेंस रही है किसी में जो डोर टू डोर जाती थी उसमें सारा मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लोड हो गई वेरी इंप्रेसिव और सबसे अच्छी रिपोर्ट वही मुझे दिया करती थी मुझे बताती थी कि फला गली जो है ये हमारी है फला गली में मुखालफत है आप उस गली में जाना चाहिए तो कई दफा देखते ना लोग मेरे को तो मुखालफत नहीं करते ना लेकिन उसके मुंह पे लोग बात किया करते थे और उसने वो शो नहीं करती थी ना कि आई एम अ ग्रैंड वोटर तो वो लेकिन ये होता था कि कहीं जहाँ पता चलता था कि वो नवासी पीपल यूज्ड टू बी वेरी वेलकमिंग आल्सो बहुत अच्छी तरह से करते रहते थे राइट तो नानी के साथ जो बचपन के दिन गुजरते हैं उसमें भी काफी लाड़ प्यार है नानी का बिगाड़ में कोई ऐसी याद कोई ऐसी मेमोरी ऐसे जब तो इतना टाइम हो सकता है काफी ज्यादा मेमोरीज है ऐसी तो आई कांट रियली पिक वन लेकिन जो क्या कहते हैं एक होती थी कि नानी जब हम छोटे होते थे तो नानी हमें स्विमिंग भी लेके जाया करती थी और हमें पानी से क्योंकि स्विमिंग से डर लगता है तो उठा के पूल में चलाओ टांग चलाओ हाथ चलाओ तो उस तरह हमने स्विमिंग भी सीखी है घर से नानी के खिलाफ ये तो फेंक देती है तो सीखना पड़ेगा बचने के लिए तो इस तरह की काफी मेमोरीज है काफी हेल्दी और काफी Right. तो वैसे नानियों वाला भेद भी नहीं आपको पता है कि मेरी जो पोती है उसको मैंने